सभी को मेरा नमस्कार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपके लिए ज्योतिष के कुछ नए जानकारियां लेके आया हूँ। ये जो हमारा वीडियो है आज का, इसमें आपको हम ग्रहों के उच्च और नीच इसका बलावल बताएंगे। मित्रों, हम जो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, आप अपनी राय दें हमारे को। आपका अमूल्य सुझाव का हम स्वागत करेंगे। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, 20 रुपया यहाँ देख सकते हैं, बेल का इसमें बटन दबाएं। तो सबसे पहले जो जानकारी हमारी वो आपके पास पहुँचेगी। मैं श्री धाम वृंदावन से महेश पाठक आज आपको ग्रहों के उच्च और नीच प्रभाव के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपको मैं ग्रहों के उच्च और नीच प्रभाव बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जो चार्ट आपके बना हुआ है, इसमें हम ग्रहों के बलावल के बारे में आपको बता रहे हैं। हमारे जो सूर्यदेव हैं मेष राशि पर 10 डिग्री के उच्च के होते हैं। अगर किसी कुंडली में मेष राशि के सूर्य बैठे हैं और वो 10 डिग्री तक उनकी अगर पावर है तो वो उच्च के हैं, और अगर तुला राशि में बैठे हैं 10 डिग्री के पावर है तो वो नीच के हैं, और सिंह राशि में 0 से लेकर के 20 डिग्री तक उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि होती है। तो इस प्रकार सूर्यदेव जो है मेष, तुला और सिंह तीन राशियों को अपनी डिग्री से प्रभावित करते हैं। चंद्र देवता है वृष राशि में 3 डिग्री तक ये उच्च के बनते हैं, वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक नीच के बनते हैं, और अपने स्वयं की कर्क राशि में 4 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक ये अपनी मूल त्रिकोण की राशि होती है। इसी प्रकार मंगल देवता हैं मकर राशि में 18 डिग्री तक उच्च के हैं, कर्क राशि में 18 डिग्री तक नीच के हैं, और अपने मेष राशि में 0 से लेकर के 18 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण की राशि में मूल त्रिकोण की राशि बनती है। इसी प्रकार हमारे बुध देवता हैं कन्या राशि में ये 15 डिग्री तक उच्च के माने जाते हैं, मीन राशि में ये 15 डिग्री तक नीच के माने जाते हैं, और अपने इनकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो कन्या राशि है वो 16 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक है। गुरु बृहस्पति देव कर्क राशि में 5 डिग्री तक उच्च के बनते हैं, मकर राशि में 5 डिग्री नीच के बनते हैं, और जो धनु राशि है इनकी अपनी राशि है इसको मूल त्रिकोण की, इसमें 0 से लेकर के 13 डिग्री तक ये मूल त्रिकोण राशि के बनते हैं। इसी प्रकार हमारे शुक्र महाराज हैं, ये शुक्रदेव मीन राशि में 27 डिग्री तक उच्च के बनते हैं, कन्या राशि में 27 डिग्री तक नीच के बनते हैं, और तुला राशि में जो इनकी मूल त्रिकोण की राशि है 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री तक ये इनकी अपनी मूल त्रिकोण की राशि है। इसी तरह हम शनि महाराज की बात करेंगे तो शनि देव तुला राशि में 10 डिग्री तक उच्च के बनते हैं, और मेष राशि में 10 डिग्री तक नीच के बनते हैं। शनि की जो अपनी मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, उसमें 0 से लेकर के 20 डिग्री तक ये अपने मूल त्रिकोण की राशि में रहते हैं। अगर हम राहु केतु की बात करते हैं तो राहु केतु के बारे में कुछ थोड़ी सी अलग अलग हमारे जो मनीषी हैं, जो ज्योतिषी भाई हैं, उनमें थोड़ा सा अलग अलग थोड़ी सी उनकी विचारधारा है। कोई राहु को मिथुन में उच्च का मानते हैं, कोई राहु को वृष राशि में उच्च का मानते हैं, कोई केतु को धनु राशि में उच्च का मानते हैं, और कोई केतु को वृश्चिक राशि में उच्च का मानते हैं। लेकिन जो भी हो, अगर धनु में मानते हैं या वृश्चिक में मानते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन वो जहाँ उच्च के नीच के बनते हैं वो भी अपना प्रभाव उसी तरीके से दिखाते हैं। अब मैं आपको सूर्य के बारे में बताता हूँ कि सूर्य से हम क्या क्या विचार करते हैं। सूर्य से जो हम विचार करते हैं, हमारे सूर्य भगवान से हम विचार करते हैं कि रोगों के प्रतिकार की शक्ति, हड्डी का सुख, हमारे शरीर में जो हड्डी होती है उसका ये कारक सूर्य होता है, पिता का सुख तो सूर्य से हम पिता को भी देखते हैं, राज्य का सुख क्योंकि जो राज्य से हैं वहाँ भी ये कारक बनते हैं हमारे दशम भाव में, बड़े भाई का सुख सूर्य से देखा जाता है, वैद्यक जो विद्या होती है, जो अपने जो वैद्य होते हैं इनकी जो विद्या होती है तो वो भी इससे देखा जाता है, अधिकारियों से जो मित्रता हम अगर जिंदगी में करते हैं तो वो भी इससे देखी जाती है, राज विद्या इससे देखी जाती है, राज में मान सम्मान हमें कितना मिलेगा वो सूर्य से देखा जाता है, लोक मान्यता हम कितनी हमें मिलेगी समाज के अंदर वो भी इससे देखा जाता है, हम कितने बड़े प्रसिद्ध नेता बनेंगे वो भी सूर्य से देखते हैं,
राजनीतिक जो शक्ति है वो भी शुरू से देखी जाती है, हमारी वीरता, हम शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे नहीं करेंगे, हमारी योग्यता, हमारी आत्मा की कितनी विल पावर हमारी अच्छी है, हमारे अंदर शक्ति कितनी है, हम कितना सत्य बोलते हैं, हमारे मन की शुद्धि क्या है, फिजूल खर्ची हम कैसे कर सकते हैं, सोना है, वाहन है, तो इसके बारे में भी इससे विचार किया जाता है। और जो सिंहासन है, जो जिसको हम राजयोग कहते हैं, वो सिंहासन पर भी हमें सूर्य बिठाता है, इसके बारे में से राज की विचार किया जाता है। तामा है हमारा जो पराक्रम है, वो हमारी जो नेत्र चिकित्सा है, वो हमारा बड़प्पन कितना है, धैर्य कितना है, हमारी सामर्थ्य क्या है, हमें कितना साहस है, हम कितने होम और यज्ञ करते हैं, हम किस किस कार्य में प्रवृत्त होते हैं, देवस्थान की हम कैसे देखभाल करते हैं, या हमारा स्वभाव क्या है, हमें निरोगता हमारे शरीर में कितनी है, लक्ष्मी का विचार भी इसी से करते हैं। कि लाल रंग के जो वस्त्र हैं, लाल रंग का जो चंदन है, मूंगा है, माणिक है, हमारा जो मुंह है, जो केसर है, कमल है, एक नया घर है, सबत सा गोय है, भोले बाबा की उपासना है, अग्नि है, और जो गर्मी है उष्णता बोलते हैं उसको, वो जो उष्णता है उसका सोना है, ऊनी कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, गेहूँ हैं, लकड़ी है, ये इत्यादि का सूर्य कार्य होता है। तो इन सब चीज़ों का विचार हम जो है सूर्य से करते हैं। तो ये हम सूर्य के बारे में आपको बता रहे थे। अब आपको हम बताते हैं चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा से हम किस किस चीज़ का विचार करते हैं और चंद्रमा जो है किस किस चीज़ का कारक होता है। तो चंद्रमा सबसे पहली बात तो माता के सुख का कारक है, दूसरी बात वो सुंदरता का कारक है, तीसरी बात वो यश प्राप्ति का कारक है, सुख का कारक है, दूर का जो प्रवास होता है, हम अपने घर में रह के कामयाब होंगे, अपने घर से बाहर जाके कामयाब होंगे, या हम अपने देश में कामयाब होंगे या विदेश में कामयाब होंगे, इसका कारक भी चंद्रमा ही है। हमारा जल प्रवास होगा, कहाँ होगा, ये भी सब चंद्रमा से देखते हैं। मन की बुद्धि हमारी, मन हमारा कितना चंचल है, कितना मन को हम एकाग्र कर सकते हैं, ये भी चंद्रमा से देखा जाता है। हमारी बुद्धि कितनी नॉर्मल है, ये भी चंद्रमा से देखते हैं। हमारा स्वास्थ्य, ऐश्वर्य, हमारी संपत्ति, कॉस्मेटिक का जो शौक़ होता है, किसी को क्रीम है, किसी को पाउडर है, किसी को सेंट है, शैम्पू है, लगाने का जो शौक़ होता है, वो चंद्रमा से देखा जाता है। वाहन का सुख, हमें कितना वाहन, कौन सा वाहन हमें सूट करेगा, कौन से वाहन का हमें ज़िंदगी में सुख मिलेगा, वो भी हम चंद्रमा से विचार करते हैं। हम धन के बारे में भी चंद्रमा के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, और जो वृष राशि है वो हमारी जो काल और उसकी जो कुंडली है उसमें द्वितीय स्थान पे आती है, और द्वितीय स्थान हमारा धन स्थान है, इसलिए हम धन के बारे में भी इसके सोचते हैं, धन संचय के बारे में सोचते हैं। हमारा जो काम धंधा है उसमें हमारी कितनी उन्नति होगी, अवनति होगी, उसके बारे में चंद्रमा से विचार किया जाता है। जो प्रजा पक्ष है, जो जनता का पक्ष है, उसके बारे में भी चंद्रमा से विचार किया जाता है। जो जनता है, जनता जो चतुर्थ भाव जनता का भाव है, तो चतुर्थ भाव इसको हम ऑडियंस का भाव बोलते हैं, तो चतुर्थ भाव ऑडियंस का भाव है, इसके बारे में भी इसी से विचार किया जाता है, जनता की वृत्ति क्या है। और चंद्रमा जो है वो एक स्त्री कारक ग्रह है, तो उसके बारे में हम स्त्री की प्रसन्नता भी इसी से देखते हैं। चांदी है, दूध है, गो है, लज्जा है, वस्त्र है, जल है, समुद्र स्नान है, सफ़ेद कुछ चीज़ है, कोमलता है, दया, हृदय की चेतना, शक्ति, ब्राह्मण, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन, श्वेत चावल, श्वेत पुष्प, घृत, दही, कपूर, तेल, गेहूं, लवण, आलस्य, कफ, मिर्गी का रोग, टीबी का रोग, पांडु रोग, लिया का बढ़ जाना, जो हमारे अंदर लिया होता है वो बढ़ जाना, सर्दी का बुखार हो, यात्रा के बारे में विचार करना हो, सिल्क का कपड़ा, मासिक रजो दर्शन, जहाज़ों के कारखाने, कांच के कारखाने, लोक कर्म विभाग, सिंचाई विभाग, वाटर वर्क्स, आयात निर्यात, कर विभाग, रेलवे अधिकारी, बस यात्रा आदि का जो कारक है वो चंद्रमा है। इन सब के बारे में हम चंद्रमा से विचार करते हैं। तो मित्रों, ये मैंने आपको सूर्य और चंद्रमा के बारे में बताया है। हाँ भाई, सूर्य चंद्रमा के बारे में बताया है। अब मैं आपको अगले वीडियो में ये बताऊँगा कि हम मंगल से क्या विचार करते हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपके सामने हमने अभी YouTube पर अपलोड किया है, आप ये वीडियो देखें, और इसमें एक बेल आइकॉन है, आप अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है उसको दबाएं, और साथ में इसको सब्सक्राइब करें कि हमारी जो ज्योतिष की नई नई जानकारी है वो आपको जल्दी से जल्दी मिले। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, आज मैंने आपको सूर्य चंद्रमा के बारे में बताया कि किस किस चीज़ के कारक हैं और ग्रह हैं ये, और हमें किस किस चीज़ के बारे में इनसे जानकारी मिलती है। अगले वीडियो में आपको मैं मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सब ग्रहों के बारे में बताऊंगा।
उसके बाद मैं आपको हर भाव के बारे में जानकारी दूंगा, किस भाव से हम क्या क्या विचार कर सकते हैं और उसको विचार करने में कौन कौन सा ग्रह हमारा सहायक होता है। तो ज्योतिष ज्ञान का ये भंडार आपके सामने खुल रहा है, आप ये वीडियो देखें और हमें एक ऐसा प्रोत्साहन दें ताकि आगामी वीडियो हम बनाएं तो हमें पूरी तरह से आश्वस्त हो कि हमारे देखने वाले हमारे वीडियो को देख के खुश हैं और उनको कोई ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है, हमें बड़ी खुशी होगी। आप हमारा वीडियो देखें, उसको सब्सक्राइब करें, इसमें नीचे हमारा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ, व्हाट्सएप भी है, आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप पर ऐड करके ज्वाइन करके हमें किसी भी तरह का अपना सुझाव भी दे सकते हैं। इसके साथ ही जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।